जो रिकॉर्डिंग आ रहा है वो इसी कैमरे का आ रहा है, और इसको देखिए मैं जैसे राउंड करता हूँ तो यहाँ पे भी घूमता है और वहाँ पे भी, आप किधर का भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, बिल्कुल HD में आ रहा है। अपन को साइड का चाहिए व्यू तो साइड में भी वो कैमरा है जो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें ये फीचर है। कौन सा कैमरा आप इधर देख सकते हो दोस्तों, स्मार्ट वाईफाई कैमरा, ठीक है। अब इसके अंदर जो फीचर है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसकी क्लियरिटी बताने वाला हूँ, उसको कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसके अंदर क्या निकलेगा मैं आपके सामने खोलूँगा इसको, और इसके जो भी फीचर है वो मैं आपको अभी पूरे से बताऊँगा। अभी देखिए इसके अंदर क्या, अभी देखिए वायरलेस वाईफाई है इसमें, और टू वे ऑडियो है इसमें, डे नाइट विजन भी है इसमें, क्लाउड स्टोरेज भी है, मल्टी यूज़र मल्टी प्लेटफॉर्म भी है, और इसमें सबसे मेन चीज़ है ह्यूमन इंटरेक्शन डायरेक्शन, मतलब जिधर भी आदमी जाएगा ऑटोमेटिक कैमरा अपने आप से सेंस करता रहेगा। इसकी MRP वगैरह कितना क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका पिक्सल वगैरह, इसका देखो नाइट विजन है जो 10 मीटर का है, और अगर ओपन तो आपको सबसे पहले इसको यहाँ से खोलना है। ये देखिए सबसे पहले तो गिट्टी पेच आए, इसके बाद में आपको एक छोटा बॉक्स आएगा इसके अंदर, इस बॉक्स में आपको यहाँ पे चार्जर और इसका पीछे का जो स्टैंड है वो दिख रहा है, ये इसका चार्जर है, और ये जो दीवार में लगेगा दोस्तों ये इसका स्टैंड है। इस पेज को आपको संभाल के रखना है, ये गिरना नहीं चाहिए अभी, ठीक है। फिर इसके अंदर आता है दोस्तों कैमरा इस तरह से पैक होके, ये इसका वायर है चार्जर का डाटा केबल, और ये है दोस्तों वो वेल्यू कैमरा, इसको अपन किधर भी घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो इसको, ठीक है। बहुत ही शानदार कैमरा है, आवाज़ वगैरह सब यहाँ से आती है, और यहाँ पे ये चार्जर लगेगा और यहाँ से ये रिसेट होता है, ठीक है। और स्टैंड में भी लगा सकते हैं अपन, इसमें पूरा सिस्टम दिया हुआ है, ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से जिस ऐप। दोस्तों आपको मैंने इसके पूरे फीचर बता दिए हैं, इसमें क्या क्या है, वायरलेस वाईफाई है इसमें, और इसमें के साथ में चार्जर आया है, स्टैंड आया है, और ये इसके गिट्टी और पेच आए हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार है दोस्तों, इसकी मैं क्लियरिटी भी आपको मेरे फ़ोन में चला के बताऊंगा, बस आपको इसका ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और अपना जो वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग आ रहा है वो इसी कैमरे का आ रहा है, और इसको देखिए मैं जैसे राउंड करता हूँ तो यहाँ पे भी घूमता है और वहाँ पे भी, आप किधर का भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, बिल्कुल HD में आ रहा है। अपन को साइड का चाहिए व्यू तो साइड में भी आ जाएगा, ऊपर करके देख रही है मेरा ये वीडियो भी आ रहा है, ठीक है। और इसको मैं इधर घुमा लेता हूँ, ये देखिए मेरा फ़ोन वगैरह आ गया, ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो इसको, यहाँ से इसको आप उधर भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको कैमरा पूरा चारों तरफ दिखा देगा आपको, अब बाहर क्या हो रहा है वो सीन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे मैं इसको घुमाता हूँ ना यहाँ से, वैसे वैसे ये काम करता है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल HD में है, आप यहाँ पे देख सकते हो कितना जो क्लियरिटी आ रहा है दोस्तों, दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल फुल HD में आ रहा है। वो जो HD है दोस्तों वो इसी ही कैमरे की है। और दोस्तों इसमें दूसरा जो फीचर है वो ये है, देखिए मैंने जैसे इसको बैक किया तो इस कैमरे के एंगल में जो भी आदमी, मतलब नया पर्सन है कोई भी, एकदम से जैसे कि आगे आया तो उसका ऑटोमेटिक ये कैप्चर ले लेगा। तो आपको फ़ोटो भी बता देता हूँ मैं, देखिए ये फोटोज एल्बम यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आप देखिएगा यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक ये फ़ोटो ले लिया है, मतलब पता ही नहीं चलेगा सामने वाले को कब उसकी फ़ोटो खींच गई है। देखिए दोस्तों ये ऑटोमेटिक आपको फ़ोटो खींचे दे देगा जो भी इस कैमरे के सामने आएगा, और बिल्कुल HD में है, फ़ोटो भी ऐसा नहीं है कि ऐसे लगता है फ़ोन से खींची है, बिल्कुल क्लियर। ये इसके अंदर एक हिडन ऐप आता है और ये अभी लाइव चल रहा है, आप घुमाने के लिए यहाँ पे देखिए डायरेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इसको कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पूरे वीडियो में बता ही दिया है। वैसे ऐप आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अभी इसको कैसे लगाते हैं, कैसी क्लियरिटी है, वहाँ पूरे वीडियो में देखना है।